आज हम आपके साथ बहुत ही आसान, हेल्दी और बिल्कुल नए तरह का नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसे आप उपवास और व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी और उतना ही हेल्दी भी है। सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले इस नाश्ते को बनाकर आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 कप साबुदाना लिया है। साबुदाने को हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और आप देखिए इस तरीके से अच्छे से फूल चुके हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए जो साबुदाने हम यूज़ करते हैं, उन्हीं साबुदाने से आज हम ये नाश्ता बना रहे हैं। यदि आपके पास में बारीक वाला साबुदाना है तो आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में इसी कप के नाप से हमने यहाँ पर ये 1 कप मोरधन लिया है, जिसे कि कई जगह पे हम सामा या भगर भी कहते हैं। तो इन्हें भी हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये बिल्कुल छोटे छोटे से चावल होते हैं जिन्हें व्रत में खाए जाते हैं। इसके बाद हमने ये 1 मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है। तो आलू को छीलकर हमने पानी में रख दिया था ताकि ये काला नहीं पड़े। तो यदि आप आलू खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप आलू की बजाय इसमें लौकी भी डाल सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा आप लौकी का ले लीजिए। तो आलू को भी हमें मिक्सी जार में पीसना है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने आलू के भी छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लिए हैं। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एक मिक्सी जार, इसमें हम ये साबुदाने डाल देंगे। तो साबुदाने में आप बहुत ज़्यादा पानी न डालें, बस ये अच्छे से फूल जाए इतना ही पानी हमें इसमें डालना है, वरना हमारा नाश्ता बिगड़ जाएगा। तो जब हम खिचड़ी पर साबुदाने को भिगोते हैं, बस उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। इसके बाद हमने ये मोरधन में से भी सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है, तो मोरधन को भी हम इसी में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये आलू के टुकड़े भी डाल देंगे। और अब हम ले रहे हैं दही, तो यहाँ पर हम लगभग 3 चम्मच दही डाल रहे हैं। दही हल्का सा खट्टा है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच ले रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का भी डाल देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दही भी नहीं डालना है, वरना ये घोल पतला हो जाएगा। तो चलिए इन सबको पहले हम पीस लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे पीसते टाइम हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने 3 चम्मच दही डाला था, उसी से ये घोल बना है। इसमें कुछ टुकड़े साबुदाने के आपको दिख रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब ये स्टीम होके फूल जाएंगे तो दिखने में और भी सुंदर लगेंगे। इसलिए यदि बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनता है, कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि घोल को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। तो जिस तरीके से हम ढोकला या इडली का घोल रखते हैं, उसी हिसाब से हमें इसका घोल रखना है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये घोल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम ये नाश्ता इन छोटी छोटी सी प्लेटों में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 7 प्लेटें ले ली हैं। अगर आपके पास इस तरीके से छोटी प्लेटें नहीं हो तो आप कोई कटोरी या इस तरीके की प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे इडली मेकर में भी बना सकते हैं। तो पहले हम इन्हें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर मूंगफली का ऑयल लिया है, जिसे कि हम व्रत में खाते हैं, लेकिन यदि आप ऑयल व्रत में नहीं खाते हैं तो आप ऑयल की बजाय इसमें घी भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं इनो। इनो की बजाय आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो 1 पाउच मैंने यहाँ पर इनो का डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने के बाद आप देखिए घोल कितने अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये घोल डाल देंगे। इस तरीके से 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर घोल लिया है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम एक स्टैंड रख देते हैं। आप देखिए पानी भी इसमें अच्छे से उबलने लगा है, और इसके ऊपर हम रख रहे हैं ये जाली, और एक एक करके ये प्लेटें इस पर रख देंगे। तो इस तरीके से 7 प्लेटों को हमने कढ़ाई में अच्छे से सेट कर लिया है। तो इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं। देखिए हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो इन्हें स्टीम होने में हमें लगभग सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद हमने दूसरी प्लेटों में पहले ही घोल डाल करके तैयार कर रखा था। तो इसी तरीके से हम इन्हें भी रख देंगे, और 5 मिनट के लिए फिर से इन्हें स्टीम होने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और आप देखिए बहुत अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। ठंडे होने पर ये आसानी से हाथ से निकल जाएंगे, इसमें
इसे चम्मच से निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कितना बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं इसमें जो जालियाँ दिख रही है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाश्ता हमारा कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, अगर आपने प्लेट पर अच्छे से ऑयल लगाया होगा तो ये प्लेटों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर हमने सभी को एक प्लेट में निकाल लिया है, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगेंगे और उतने ही सॉफ्ट भी। लेकिन हम इन्हें थोड़ा सा और चटपटा बना देते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें हम लगभग एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये दो हरी मिर्ची ली है, इस तरीके से कट करी हुई हरी मिर्ची को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ये कुछ मीठा नीम की पत्तियाँ डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर ये कुछ तिल्ली ली है तो तिल्ली भी हम इसमें डाल देंगे जिससे कि ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुकी है और तिल्ली भी अच्छे से तड़क चुकी है। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा तड़का चम्मच में ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तड़का इस पर डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तड़का रखा है, सारा ही तड़का इसमें नहीं डाला है क्योंकि हम इसे थोड़ा और चटपटा बनाने वाले हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर हमने घर पे पीसी हुई है इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर व्रत में खाते हैं, लेकिन यदि आप व्रत में लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि मसाला तो अच्छे से पक चुका है। और इस तरीके से इसे अच्छे से मिला लेने के बाद हम एक एक करके और ये इडली इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमारा नाश्ता दिखने में भी सुंदर लगेगा और थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा। तो देखिए हमने सभी को एक बार पैन में इस तरीके से रख लिया है और इसके बाद कुछ ही देर में हम इसे पलट लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल धीमा कर रखा है इसलिए बिल्कुल आसानी से हम इसे पलट पा रहे हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इसे पलट सकते हैं। और इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हमारे ये साबूदाने और आलू की चटपटी इडली भी बनकर तैयार है। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल देंगे और गर्मा गर्म ही खाने के लिए इस चटपटी दोनों तरह की इडली को सर्व कर लेते हैं। तो दिखने में जितनी सुंदर है खाने में उतनी ही टेस्टी और चटपटी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को पसंद आएगी। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।